सो हे व्हाट्सअप गाइस, साकेत हियर फ्रॉम एसकेटी टेक। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यार कि जो पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी जो रायपुर है, जिसका नाम परसों भी प्यार से बोला जाता है, उनका जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो यहाँ पर आ चुका है। तो उसको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम फिल कैसे करते हैं, उसके बारे में करेंगे इस वीडियो में चर्चा। इससे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कुछ नोटिस है उसको कि यहाँ पर इसका डेट्स कहाँ कहाँ से, मतलब कब शुरू हुआ है और कब यहाँ पर इसका डेट ख़त्म होगा। यहाँ पर 23/12/2019 से यहाँ पर ये स्टार्ट हुआ है एग्ज़ाम फॉर्म का भरना, और 7/1/2020 तक, मतलब 7 जनवरी तक यहाँ पर ये ख़त्म हो जाएगा, जो बिना विलम्ब शुल्क, मतलब बिना लेट फीस के 7 तारीख यहाँ पर लास्ट डेट है यहाँ पर। और कुछ कुछ डेट्स यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर बिना किसी देरी के हम चलते हैं सीधे यहाँ पर गूगल क्रोम पे या फिर कोई भी एक ब्राउज़र पे। वहाँ पर आपको गूगल पे यहाँ पर टाइप करना होगा यहाँ पर सिंपल परसू PRSU, और इंटर कर देंगे। आपको पहला नंबर पे आपका साइट आएगा पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने पे यहाँ पर इसका वेबसाइट ओपन हो जाता है, जो कि मतलब बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड है, मतलब कुछ भी कहीं भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। यहाँ पर एक एरर मैसेज यहाँ पर पता नहीं क्यों लिख के आ रहा है, यहाँ पर इसका जो साइट है वो ऑप्टिमाइज्ड यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ एनुअल एग्जाम रिजल्ट 2018, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। या फिर आप यहाँ पर डायरेक्ट इस लिंक को यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जो कि है PRSU और UNIV.in, परसू University.in, यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं। इसका जो लिंक है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे हम जाते हैं, फिर यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे कुछ ऑप्शन खुल जाएगा, ये पेज आपके सामने आ जाएगा। कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर लिखा हुआ स्टूडेंट लॉगिन करके ऊपर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देंगे आपको ये नया पेज पे लेके आएगा, जिसका नाम है यहाँ पर लॉगिन का, यहाँ पर ये जो कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होता है। अब करना क्या है, अगर आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड है तो यहाँ पर आप डाल देंगे यूजर आईडी और यहाँ पर पासवर्ड, तो आप लॉग इन करके आप लॉग इन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड आपके पास नहीं है, तो आपको यहाँ पर नीचे की ओर क्रिएट एन अकाउंट पर यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक कर देंगे, यहाँ पर आपको पूछता है क्रिएट यूजर करके, इसके अंदर कुछ डिटेल्स आपको फिल करना हो। यहाँ पर लिखा हुआ है आपका फुल नेम, मैं अपना नाम डाल दे रहा हूँ, और यूज़र नेम आपको मतलब क्रिएट करना है, जो मतलब पहले से यूज़र नेम इस पे इसके डेटाबेस में अपलोड नहीं होना चाहिए, मतलब आपको एक यूनिक यूज़र नेम आपको यहाँ पर बनाना है। उसके बाद अगर ये यूनिक होता है तो यहाँ पर आपको आसानी से ये वाला आईडी आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्रिएट करना है पासवर्ड, क्रिएट करना है आप यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करते हैं अपने हिसाब से, और सेम पासवर्ड आपको यहाँ पर रिटाइप करना है। यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पर देना होगा, और आपको यहाँ पर जैसे अब ईमेल आईडी डालते हैं, फिर आपका एक मोबाइल नंबर का ऑप्शन है वो यहाँ पर खुल जाता है, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना होगा। जैसे हम डालते हैं और कहीं भी क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन आता है वेरिफिकेशन कोड का, तो इस नंबर पे जो आपने नंबर दिया है वो नंबर पे यहाँ पर एक 4 अंक यहाँ पर कोड आएगा, उसको यहाँ पर आपको डाल देना है। और डालने के बाद यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मेरा नाम यहाँ पर लिख के आएगा, ईमेल एड्रेस यहाँ पर, और आपका यूज़र नेम यहाँ पर लिखा जाता है, और यहाँ पर ऑप्शन आता है आपको अपलोड अ प्रोफाइल पिक्चर और अपलोड योर सिग्नेचर, तो यहाँ पर आपको अपना प्रोफाइल पिक्चर और सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा आपका प्रोफाइल पिक्चर, मतलब सिंपल पासपोर्ट साइज फोटो, जहाँ पर आपने यहाँ पर रखा है वहाँ पर आपको जाना है। जैसे मैं यहाँ पर अभी सिंपल फोटो यहाँ पर ले रहा हूँ, और सिग्नेचर भी यहाँ पर अपलोड कर देंगे, क्या अभी सैंपल है, और ये करने के बाद आपको रीच है, ये आप उसका अपलोड पर क्लिक करेंगे, ये अपलोड हो जाएगा, यहाँ पर एक पॉपअप खुल के आएगा, यहाँ पे अपलोड पर क्लिक कर देंगे। दोनों अपलोड हो जाने के बाद आपको करना है क्लिक यहाँ पर साइन अप पे। जैसे हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर एक यूज़र आईडी और पासवर्ड बंद करके आ गया है, और इसको आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर लॉगिन करने के लिए। तो इसको आप याद रखेगा और यहाँ पर लॉगिन करेगा, तो गूगल फॉर लॉगिन पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर सेम चीज़ यहाँ पर डाल देंगे और पासवर्ड। फिर यहाँ पर लॉगिन होने के बाद यहाँ पर कुछ इस टाइप से आपके पास टैब देखने को मिलेंगे, यहाँ पर रिक्वेस्ट फॉर डुप्लीकेट मार्कशीट, ऑनलाइन ऐप डिग्री एप्लीकेशन, माइग्रेशन और सेमेस्टर एडमिशन कार्ड, और यहाँ पर एनुअल एग्जामिनेशन 2020, मतलब 2020 के लिए एनुअल एग्जाम का यहाँ पर जो है एडमिशन होगा यहाँ पर से। तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा, इसमें आपको एग्जाम टाइप, जैसे मान लो आप सेमेस्टर वाले हैं तो यहाँ पर सेमेस्टर और एनुअल एग्जाम सिस्टम, तो यहाँ पे इसमें आप क्लिक कर देंगे। कोर्स का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, आगे फिर यहाँ मान लो मुझे करना है अभी बीएससी करना है, बीएससी करना अभी
मैं फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर में क्लिक कर दूंगा। और अगर स्टूडेंट टाइप यहाँ पर करना है रेगुलर एक्स रेगुलर प्राइवेट, तो प्राइवेट वाले तो प्राइवेट कर सकते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है सेंटर का नेम, मतलब सेंटर का नेम मुझे कहाँ से पढ़ना है, तो करना है, तो मैं भी टेम्परेरी पढ़ रहा हूँ तो मुझे कुछ पता नहीं। लाइक मुझे कोई भी सिलेक्ट करता हूँ, ये 251 वाला। और सब्जेक्ट और फैसिलिटी इसमें क्या है, साइंस साइंस सिंपल सी बात है। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आ चुका है, ये शायद इसको आप शायद रेफरेंस के लिए बाद में यूज़ कर सकते हैं, तो ये इसको आप यहाँ पर कहीं पर लिख के रख लें या फिर इसको कहीं पर आप कॉपी करके रख लें और सर्च करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर सर्च पे क्लिक करते हैं आता है ऑप्शन कैंडिडेट के नेम का, तो यहाँ पर कैंडिडेट का नेम यहाँ पर इंटर करेंगे, उसके बाद आता है ऑप्शन डेट ऑफ बर्थ का, तो यहाँ पर आपको इंटर करना होगा डेट ऑफ बर्थ। जैसे मान लो मेरा है 2000 और जनवरी और वन, मतलब ऐसी अज्यूम कर लेते हैं। और उसके बाद आता है फादर का नाम, यहाँ पर आपको डालना होगा उसका मदर का नाम और माता पिता के नाम। के बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपका फ़ोन नंबर का, जहाँ पर आप मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर कैटेगरी, और उसके बाद आपका आधार नंबर इंटर कर देना है। आधार नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पर आएगा कॉलेज डिटेल्स में, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है उसको आप ऊपर से यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर राइट साइड में लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम का मीडियम का है, हिंदी का देंगे, और सेशन क्या है, तो अभी क्या चल रहा है, तो 1920 का यहाँ पर सेशन डाल देते हैं। आता है आप एड्रेस का ऑप्शन, पे अपना एड्रेस भर देना है और यहाँ पर डालना है आपका पिन कोड नंबर। और पिन कोड नंबर के लिए मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ पिन कोड नंबर ऐसे रायपुर का, क्योंकि मैं यहाँ पर पर्टिकुलर दुर्ग से हूँ, यहाँ पर रायपुर का कोई सर्च करता हूँ तो अपने आप यहाँ पर चेक करता है डिस्ट्रिक्ट अपने आप यहाँ पर रायपुर आता है और छत्तीसगढ़ स्टेट अपने आप यहाँ पर सिलेक्ट हो जाता है बाय डिफॉल्ट। और अगर मान लो आपका परमानेंट एड्रेस भी यहाँ पर सेम है, यहाँ पर आपको यहाँ पर टिक कर देना है और आपका ये सेम कॉपी हो जाएगा नीचे की ओर। इसके बाद बारी आती है यहाँ पर NAD डिटेल्स की, तो यहाँ पर आपको अपना NAD डिटेल्स यहाँ पर क्रिएट करना है। इसके लिए यहाँ पर राइट साइड में एक लिंक दिया गया, वहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने पे आपको NAD के वेबसाइट पर लेके आएगा और यहाँ पर दो ऑप्शन है सिलेक्ट करने का, NAD ID का और एक्नॉलेजमेंट नंबर का। आपको NAD ID कैसे मिलेगा, अगर आपका जो आधार कार्ड है उसमें अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक है और उस मोबाइल नंबर पर आता है आपका OTP, तो आप जब यहाँ पर प्रोसेस पूरा करेंगे तो आपको मिलेगा NAD ID। इसके लिए मैंने एक और अलग से एक वीडियो बनाई है, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे और साथ में यहाँ पर ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। अगर आपके में OTP नहीं आता तो आपको मिलेगा यहाँ पर विदाउट आधार कार्ड वाला ऑप्शन, और उसमें आप अपना फॉर्म फिल करेंगे। उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो होगा वेरीफाई कॉलेज के थ्रू। तो जैसे यहाँ पर मैं अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पर फिल करता हूँ, कुछ टेम्परेरी ऐसे ही है, और यहाँ पर इसको सेम यहाँ पर रिटाइप करना है उसी एक्नॉलेजमेंट नंबर को। ये करने के बाद आप नीचे आते हैं और नीचे ऑप्शन आते हैं यहाँ पर स्कूल बोर्ड एकेडमिक डिटेल, मतलब स्कूल का डिटेल यहाँ पर मांगा गया है, क्योंकि यहाँ पर मैं फर्स्ट ईयर मैंने अप्लाई किया है तो अपने आप यहाँ पर 12th बाय डिफॉल्ट आ गया, मतलब कि मैंने 12वीं में अपना क्या कारनामा किया था। यहाँ पर 12वीं का डिटेल डालते हैं, यहाँ पर रोल नंबर जैसे हम फिल करते हैं अपने आप ये यहाँ पर मतलब बोर्ड को अपने आप सेलेक्ट कर देता है। उसके बाद कौन सी ईयर में अपने पास किया तो उसके यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, और ग्रुप मतलब साइंस डिफॉल्ट सेट चेक कर। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना मार्क्स इंटर करना है कि आपको कितना मार्क्स यहाँ पर मिला है। मान लो मुझे यहाँ पर 250 मार्क्स मिले हुए हैं और टोटल मार्क्स मारे थे 500, तो फिर आगे करते हैं। उसके बाद ऑप्शन आते हैं यहाँ पर सिलेक्ट करने का आपका सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। ओपन करेंगे और आपको अपलोड कर देंगे तो यहाँ पर ये अपने आप अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला जो सेक्शन है वो आता है एग्जामिनेशन डिटेल्स का। डिफॉल्ट ये ब्लैंक रहेगा, उसको आपको कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, बस यहाँ पर आपको अपना सेशन मतलब कौन सा सेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसको यहाँ पर आपको इंटर करना होगा। नीचे ऑप्शन आता है पेपर डिटेल्स का, तो यहाँ पर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो आपका कॉम्बिनेशन है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं सेशन डाला था 2019-20। डालने के बाद यहाँ पर कुछ एरर आ गया था मेरे में, मतलब कुछ यहाँ पर क्लिक नहीं हो पाया, लेकिन आखिर का यहाँ पर डेटा सेव्ड सक्सेसफुली लिखाया और ओके किया मैंने, तो यहाँ पर कुछ एरर आया 500 एरर यहाँ पर आ गया। उसको अपन वापस वेरीफाई करने के लिए रीलोड करते हैं, वापस अपन को लॉग इन करना पड़ा। एनुअल एग्जामिनेशन 2020 पे क्लिक किया और यहाँ पर ऑप्शन आता है कि मेरा पूरा डिटेल रहता है और यहाँ पर गो का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर मैंने गो पर क्लिक किया। पुराना डिटेल्स ऊपर यहाँ पर अपने आप लिख के आ जाते हैं। यहाँ पर PU का ऑप्शन है, एडिट का ऑप्शन है, गो टू पे का ऑप्शन है, तो मान लो मुझे यहाँ पर अपने आप से इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर लिख के आता है। और प्रीव्यू का ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो अपने आप ये प्रीव्यू का एक शो होता है PDF, इसमें प्रीव्यू मतलब बड़ा सा वाटरमार्क लिख के आया जाता है और ऐसा कुछ है यहाँ पर प्रीव्यू देखने के लिए काम आता है। और उसके बाद हम इसको कैंसिल कर देते हैं। एडिट का ऑप्शन है, मान लो यहाँ पर मेरा कुछ यहाँ पर फिल नहीं हो पाया था, मैं यहाँ पर PCM चूज़ करता हूँ और
यहाँ पर सेशन तो पहले डिफॉल्ट है और PCM चूज करने के बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करता हूँ। इस बार यहाँ पर मेरा डेटा जो सक्सेसफुली यहाँ पर सेव हो गया है। यहाँ पर मेरा A to Z डिटेल यहाँ पर दिख के आ रहा है। यहाँ पर मेरा नेम है, फादर्स नेम, एनरोलमेंट नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पर लिख गया है। और यहाँ पर अमाउंट लिखा हुआ है 1630 रुपये का और पेमेंट का ऑप्शन है यहाँ पर, यहाँ पर गो टू पे यहाँ पर बटन यहाँ पर दिया गया है। 1630 रुपये का यहाँ पर मेरे को यहाँ पर पेमेंट करना होगा अगर मैं यहाँ पर BSc प्राइवेट करता हूँ फर्स्ट ईयर के लिए। और अगर गो टू पे पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये अगले पेज में लेके आएगा और वहाँ पर मुझे करना होगा पेमेंट। यहाँ था एक्सिस बैंक का एक पेमेंट गेटवे है, यहाँ पर 1630 रुपये का बन के आया हुआ है। यहाँ पर कुछ ऑर्डर नंबर, रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको डालना होगा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का ऑप्शन है और नेट बैंकिंग का ऑप्शन भी है। अगर आप कार्ड नंबर डालेंगे यहाँ पर, आपका नाम डालेंगे और एक्सपायरी डेट एंड CVV नंबर डालेंगे तो यहाँ पर आपका जो पेमेंट हो जाएगा OTP के थ्रू सक्सेसफुल हो जाएगा। और अदर ऑप्शन यहाँ पर नेट बैंकिंग का है तो यहाँ पर बहुत सारे बैंक यहाँ पर नेट बैंकिंग अवेलेबल है। तो यहाँ पर ये सब करने के बाद आपको जो पेमेंट है सक्सेसफुल हो जाएगा और आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगा और आप इंजॉय कर सकते हैं अपने कॉलेज लाइफ को, प्राइवेट कॉलेज लाइफ को। यहाँ पर मैं पेमेंट नहीं करूँ क्योंकि मैं यहाँ पर इतना अमीर नहीं हूँ कि यहाँ पर 1630 रुपये मैं ऐसे यहाँ पर बर्बाद कर दूँ। सब चीज़ यहाँ पर टेम्पररी है। कुछ कुछ यार यहाँ पर ये साइट में कहीं कहीं बग्स है, एक बार यहाँ पर लोड नहीं हो पाता, जो डिटेल्स है वो क्लियर यहाँ पर दिखाई नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए आपको शायद 1 या 2 या 3 बार यहाँ पर वापस से आपको लॉग इन करके आपको फिर यहाँ पर आपका फॉर्म सबमिट करना पड़ सकता है। तो इसके लिए केयरफुल रहिएगा और आराम से, मतलब आपको जो इंटरनेट स्पीड हो बहुत एकदम परफेक्ट होना चाहिए और ईजिली आप यहाँ पर ये आपका फॉर्म फिल कर पाएंगे। ये सेम तरीका है रेगुलर के लिए भी, जो एग्ज़ाम फॉर्म भरना चाहते हैं उनका भी यहाँ पर सेम प्रोसीजर है। तो यहाँ पर बस आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना होगा लॉग इन करने के बाद यहाँ पर आपके लिए फॉर्म के लिए अप्लाई करना होगा। और कुछ कुछ चीज़ें आपके लिए पहले से डिफाइंड रहेगी, मतलब पहले से आपके लिए फिल रहेगी और आपको यहाँ पर ईजी होगा। और NID के लिए जो आईडी है, एक्नॉलेजमेंट नंबर है, वो आपको मिलेगा NID के वेबसाइट पर। उसके लिए मैंने एक और वीडियो पहले से बनाई है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं और उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर तो है ही, तो मैंने यहाँ पर पहले से आपको बता दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ में जो यहाँ पर पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी रायपुर का यहाँ पर फॉर्म भरना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।